टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग। इस चैप्टर में से नॉर्मली एग्जाम में या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सिंस दिस चैप्टर इज वेरी बिग, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स सी फर्स्ट what we are going to study in this part, study objective. पहले हम देखेंगे evolution of cost accounting. Cost accounting की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ हुई, ये हम पहले देखेंगे। इसके बाद we will see important terms जो exam में पूछी ही जाती है, costing, cost accounting and cost accountancy. इसके बाद cost accounting concepts हम देखेंगे, जिसमें पहला है cost, उसके बाद elements of cost, जिसमें आता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, एंड लास्ट में हम देखेंगे दो टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, ओवरहेड्स एंड प्राइम कॉस्ट। लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट। इन 15th सेंचुरी लुका पासियोली ऑफ इटली डेवलप द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी 15th सेंचुरी में हुई थी बाय लुका पासियोली ऑफ इटली, एंड आफ्टर टू सेंचुरीज दैट इज इन 17th एंड 18th सेंचुरी में अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग वॉज डेवलप, जिसका नाम था कॉस्टिंग। और ये जो कॉस्टिंग स्मॉल ब्रांच ऑफ अकाउंट है, इट वॉज डेवलप्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी इन 17th एंड 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। इंडिया में कॉस्टिंग जो डेवलप हुआ था वो हुआ था 20th सेंचुरी में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Some defense personnel were employed at Kolkata to develop the costing system in India. And later on, in 1959, Institute of Cost and Works Accountant of India was established in India, जिसे आज Institute of Cost Accountant of India के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर आज भी दिल्ली में न होके कोलकाता में है, जहां पे सबसे पहले कॉस्टिंग की शुरुआत हुई थी इंडिया में। इस पार्ट में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नाउ लेट्स सी द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। फर्स्ट हम देखेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब है टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। इसका मतलब वो टेक्निक जो कॉस्ट पता करने के लिए यूज होती है, उसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कॉस्टिंग टेक्निक्स के। इसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है इट्स अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये कीवर्ड आपको याद रखना है तो ही एग्जाम में आप लिख पाएंगे ठीक से। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट पता करने के लिए जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की, उसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इट स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग रिपोर्ट्स। तो इतना आपको एग्जाम में लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट्स एन एप्लीकेशन, ये कीवर्ड याद रखना है कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी जहां पे टेक्निक यूज होती है कॉस्टिंग और साथ में अकाउंटिंग भी होती है कॉस्टिंग की, तो इन दोनों को मिला के एक ब्रॉड टर्म बनती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। और इसका जो बेसिक पर्पस रहता है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कीवर्ड है जो आपको याद रखने हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आपको तीन आइटम्स, तीन टर्म्स और इसमें ऐड करनी है डेफिनेशन में। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इट्स अ साइंस बिकॉज इट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइंस। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल, स्किल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड देन
इट्स अ प्रैक्टिस बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एक रूटीन मैटर रहता है. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस. अगर ये तीनों टर्म एग्जाम में एक साथ पूछी जाती हैं तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशंस लिखनी है, एक्सप्लेन करना है. उसके बाद ये एक डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक चार्ट आप बना सकते हैं. कॉस्टिंग इज द स्मॉलेस्ट टर्म, स्मॉल टर्म है, और उससे बड़ी टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग, और उससे भी बड़ी ब्रॉड टर्म, ब्रॉडेस्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटेंसी. सो दिस चार्ट ऑल्सो यू कैन ड्रॉ. नाउ लेट्स सी द कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट. सबसे पहले जो कंसेप्ट देखेंगे हम वो है कॉस्ट. कॉस्ट का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिफाइन द टर्म कॉस्ट, तो आपको ये ही डेफिनेशन लिखनी है. इट्स अ मेजरमेंट. तो पहला कीवर्ड है इट्स अ मेजरमेंट इन मनी, यानी आप इसको मेजर किसमें करेंगे, मनी में. और क्या मेजर करना है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज, लाइक मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस आपने जितने भी यूज किए हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस, यानी गुड्स बनाने में या सर्विसेस रेंडर करने में जो भी रिसोर्स यूज किए हैं, जब आप उस रिसोर्सेस को जो भी यूज किए हैं मॉनिटरी टर्म में लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट. इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक कंसेप्ट है कॉस्टिंग का, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. देर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. पहला है मटेरियल, यानी कुछ भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मटेरियल लग सकता है. उसके बाद लेबर लग सकता है. उसके बाद एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस. तो तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के मेन, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. अब ये जो तीन एलिमेंट्स है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में. तो ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है. जो आपको यहां पर समझना है, मटेरियल दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसी तरह से लेबर जो कॉस्ट रहती है वो भी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. और एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और इसी बाइफर्गेशन से दो टर्म निकल के आती है. एक है प्राइम कॉस्ट, यानी मेन कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट का मतलब है टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप एड कर दें तो जो फिगर मिलता है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट. प्राइम का मतलब है मेन कॉस्ट. और दूसरी टर्म है ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब है टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड कर दें तो इसको जो टोटल आता है इसको हम कहते हैं ओवरहेड्स. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस विद एन एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल वन पर्सन इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है ये है क्ले पॉट, मिट्टी का बर्तन. और इस पॉट को बनाने में जो तरह तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो हम एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पर प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट से अगर हम डायरेक्टली रिलेट कर सके मटेरियल कॉस्ट को तो ऐसी मटेरियल कॉस्ट को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं. इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रहती है वो मटेरियल फिजिकली प्रेजेंट रहता है फाइनल प्रोडक्ट में. फॉर एग्जाम्पल क्ले इन मैन्युफैक्चरिंग अ पॉट. तो क्ले पॉट जब हम बनाते हैं जो क्ले यूज होती है वो एक डायरेक्ट मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट में मिलती है हमको. इसी तरह से बुक बाइंडिंग के केस में जो ग्लू यूज होता है, गोंद यूज होता है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है क्योंकि वो प्रेजेंट रहता है फाइनल प्रोडक्ट जो बुक बनती है उसमें. इसी तरह से कॉम्पोनेंट जैसे बैटरी इन अ रेडियो, रेडियो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी भी फाइनली उस प्रोडक्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहती है.
तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इन दिस एग्जाम्पल इफ वी लुक एट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन दिस विच विल बी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट इज द क्ले. ये जो क्ले है ये यहां पर इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बिकॉज इट विल बी डायरेक्टली प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पॉट. सो हियर क्ले इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. सेकेंड है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी अपोर्शनड और एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. ये आपको लिखना है इनडायरेक्ट मटेरियल में. इनडायरेक्ट मटेरियल की खासियत यह रहती है कि ये मटेरियल यूज तो होता है प्रोडक्ट में बट फिजिकली फाइनल प्रोडक्ट में ये नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज इन मशीन. मशीन में आप लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जाता. इसी तरह से हैंड ग्लोव्स आप यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग पॉट्स, वो फाइनली पॉट्स में नहीं जाता तो हैंड ग्लोव्स यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा. इसी तरह से कॉटन वेस्ट वी यूज इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कॉटन वेस्ट यूज होता है जो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आता. इसीलिए ये जो मटेरियल है जो फाइनली फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आते इन्हें हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ये जो पॉट बनता है ये व्हील से बनता है, व्हील रोटेट होता है और इस व्हील को चलाने के लिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किया जाता है, ऑयल या इसको आप ग्रीस भी बोल सकते हैं जो यूज होता है, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इनडायरेक्ट मटेरियल बिकॉज दिस ऑयल विल नॉट बी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज जस्ट यूज टू फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ लेबर कॉस्ट. इसको आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी कह सकते हैं. लेबर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. The cost of labor which can be directly attributed to cost object, इसको हम कहेंगे direct labor cost. So those labor who basically convert the raw material into finished product, उनको जो payment होता है उन labors को जो raw material को convert करते हैं finished product में, ऐसे labors को जो भी payment होता है उसे हम direct labor cost कहेंगे. For example, लेबर्स एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन, इनको जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी. सेकेंडली लेबर हु इज सुपरवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो सुपरवाइज करता है पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, ऐसे पर्सन को अगर आप कुछ पेमेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी. इसी तरह से लेबर एंगेज इन क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्स्टेंटली वो क्वालिटी चेक करता रहता है प्रोडक्ट की, और ऐसे लेबर को जो भी आप पेमेंट करेंगे वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी. इफ यू सी इन आवर एग्जांपल, ये जो पर्सन डायरेक्टली एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसको जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी वेजेस पेमेंट करेंगे ऐसे पर्सन को जो डायरेक्टली एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. The cost of labor which cannot be directly attributed to the cost object. तो ऐसी cost को, labor cost को हम indirect labor cost कहते हैं. But can be apportioned or absorbed by the cost center or cost unit. इसका मतलब ये है simple language में, ऐसे labors जो manufacturing process में directly involved नहीं है, indirectly उसको assist करते हैं, ऐसे लेबर्स को जो भी पेमेंट मिलेगा उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर्स जो रहते हैं, उन्हें जो भी पेमेंट मिलेगा ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर को, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा. इसी तरह से स्वीपर है हु क्लीन्स द शॉप फ्लोर, जो क्लीन करता है उस प्लेस को जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. तो स्वीपर को जो भी पेमेंट होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है. इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होता है या टाइम ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो भी पेमेंट मिलेगा वो इनडायरेक्टली असिस्ट करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को, इसीलिए इनका जो भी पेमेंट होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाता है. इफ वी सी इन आवर एग्जांपल, दिस इज अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग द फ्लोर. तो ये जो
एम्प्लॉई है इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग को असिस्ट कर सकता है बाय क्लीनिंग द प्रीमाइसेस। तो ऐसे लेबर को जो भी पेमेंट होगा, वेजेस जो भी इसको मिलेंगे, जो भी पेमेंट होगा इसको, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नाउ वी विल सी द एक्सपेंसेस कॉस्ट। सो अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस कॉस्ट, फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस, यहां पे याद रखना है ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस, क्योंकि वो मटेरियल और लेबर कॉस्ट में चले जाते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को छोड़ के बाकी के सभी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे इफ दे कैन बी डायरेक्टली लिंक टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं प्रोडक्शन से, ऐसे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। Those expenses are specifically incurred for particular product or process. तो ये वो expenses होते हैं जो खास तौर पे उस product के लिए जरूरी रहते हैं, manufacturing के लिए या उस service के लिए जरूरी रहते हैं। तो इसके examples हैं जैसे power expenses to run the machine, जो machine run करने के लिए जो खर्चा होता है power का, that will be direct expenditure. इसी तरह से cost to rectify the defective work, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया है और वो डिफेक्ट को रिमूव करना है, तो ऐसा जो खर्चा होगा वो रिमूव करने के लिए डिफेक्ट, वो एक्सपेंडिचर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसी तरह से डिजाइन, रॉयल्टी और आर्किटेक्ट फी, ये सभी तरह के आइटम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। In our example, if we see this wheel is rotated by the power and power, whatever power we are using, the expenditure on power for which has been used to rotate this wheel, this expenditure of power, it is directly related to, power expenditure is directly related to production, that is why it is called direct expenditure. अगर ये पावर बंद हो जाएगी यहां से तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा, पावर टू रन द मशीन। इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑल दोज एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, बट इट कैन बी अ पोर्शन और एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग, इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। इसी तरह से स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं वेलफेयर के लिए स्टाफ के, जैसे चाय है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट है, ये सभी एक्सपेंडिचर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ वी सी अवर एग्जाम्पल, इन अवर एग्जाम्पल ये जो लाइटिंग है, जो बल्ब जल रहा है जिसके अंदर ये प्रोडक्शन हो रहा है, दिस लाइटिंग एक्सपेंसेस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये अगर बंद भी हो जाता है लाइट तो भी प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके चालू होने से प्रोडक्शन फैसिलिटेट होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा है। इसी तरह से ये जो रेंट है इस प्रीमाइसेस का, जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, इसका जो रेंट है, ये रेंट पेमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन को। Now let's see the prime cost and overheads. Prime cost means direct material, direct labor and direct expenses. So total of direct material, direct labor and direct expenses ki jo cost rehti hai, usko hum prime cost kehte hain. If we see our example, jo wages pay kiye hain aise employee ko jo directly production se related hai, that is direct labor cost, maan lijiye direct labor cost 3000 रुपीज है। इसके बाद जो क्ले यूज हो रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, वो सपोज 10,000 रुपीज का मटेरियल यूज हो रहा है, क्ले यूज हो रही है। और इसी तरह से जो पावर यूज हो रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, वो सपोज 2,000 रुपीज का है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट है इस मैन्युफैक्चरिंग की, द प्राइम कॉस्ट विल बी टोटल 15,000, दैट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर. नाउ लेट सी द कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब होता है टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं ओवरहेड्स. इफ वी सी अवर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पर रेंट जो यूज हो रहा है, मान लीजिए रेंट हम पे कर रहे हैं 2,000 रुपीज का, हम रेंट पे कर रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. इसी तरह से हम जो लाइट यूज कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, दैट इज 1,000. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर टोटल 3,000 रुपीज का हो गया. इसी तरह से ऑयल जो यूज हो रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, सपोज इनडायरेक्ट मटेरियल हम 500 रुपीज का यूज कर रहे हैं. और इसी तरह से ये जो पर्सन है, लेबर है, जो यहां पे क्लीन कर रहा है प्रीमाइसिस को, इसको हमने 500 वेजेस पे किए हैं जो कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी. तो इन तीनों इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल आएगा उसे हम ओवरहेड कॉस्ट कहेंगे. जैसे यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है 500 रुपीज का, इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस है 500, टोटल हो गया 1,000 रुपए. इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन लाइटिंग 1,000 रुपीज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन रेंट 2,000. तो टोटल आपका जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है यहां पर वो आ जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर विल बी 4,000 रुपीज. नाउ लेट्स टेक द रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. फर्स्ट वी हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज इवॉल्व्ड. आफ्टर दैट वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट लाइक कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल जिसमें हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, देन लेबर, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस, देन दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसके बाद हमने जो देखी है दो इंपॉर्टेंट टर्म, ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट. ओवरहेड का मतलब हमने देखा है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल मिलके ओवरहेड बनाते हैं. और इसी तरह से प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल एट दिस नंबर. And don't forget to revise and give the test. To study all the lessons of this, you can just log on to cacscmacoach.com website.